आपको एक एक करके रोगों के अकॉर्डिंग योग बताते हैं और साथ में घरेलू उपाय भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम डायबिटीज से। यद्यपि एक एक रोग का पूरा पैकेज भी हमने आपको बताया हुआ है, आज हम पूरा पैकेज नहीं बताएंगे, जिसको कहते हैं कि न्यूनतम कितना योगाभ्यास हम करें जिससे कि हम रोगों से पूरी तरह बच जाएं। तो डायबिटीज के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने का तरीका होता है, दोनों पैरों को या तो ऐसे मोड़ा, या दोनों पैरों को जो ऐसे नहीं मोड़ पाते तो ऐसे एक एक पैर को मोड़ लिया, ऐसे एक एक पैर को ऐसे मोड़ा और ऐसे बैठ गए। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाए सुखासन में बैठ जाएं। देखो बाकी पैथियों के अंदर जो इलाज होता है एलोपैथी में, खास करके अंग्रेजी दवाओं में, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। वहाँ दवाइयाँ ही नहीं, उस तरह का कोई उपचार का प्रोसेस ही नहीं है। तो आपको हम बता रहे हैं कि बीमारियों को क्योर कैसे करें। चलिए डायबिटीज के लिए एक तो ये मंडूकासन, नाभि के दोनों ओर ऐसी जो मुट्ठियाँ लगा दी, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ये डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, ऐसे आगे झुक करके और गर्दन ऐसे सीधी रखते हैं। आधा से एक मिनट ऐसे रुकना है। मैं कहता हूं आसन का समय एक मिनट से लेकर के पांच मिनट तक। तो एक मिनट जब ऐसे रुकेंगे तो इससे पेट और पेनक्रियाज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते। अब ये एक आसन है करने को, लेकिन एक एक मिनट करके ऐसे पांच बार कर लिया तो फिर पूरा लाभ मिलेगा, डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसके लिए पेनक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए तो ये अभ्यास है कि एक से पाँच मिनट करना पड़ेगा। जैसे प्राणायाम का हम बोलते हैं कि कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो पाँच मिनट का एक राउंड होता है। ऐसे अलग अलग बीमारियों में तीन, पाँच और दस राउंड तक हम करा देते हैं। जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको बहुत क्रिटिकल क्रॉनिक डायबिटीज़ है कि पेनक्रियाज अब काम ही नहीं कर रहा है, डीजर्नेट हो गए हैं पेनक्रियाज के सेल्स। योग के बड़े सिद्धांत मैंने हमेशा आपको कहे हैं कि डीजनरेट वे सेल्स, चाहे वो पेनक्रियाज के सेल्स हैं, लीवर किडनी के, हार्ट के, लंग के, थायराइड के सेल हैं, स्किन सेल हैं, ब्लड सेल हैं, बोन सेल हैं, आइज की सेल हैं, स्केल सेल्स हैं, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, जो बड़ा लाभ योग का है। ऐसे दूसरा अभ्यास होता है बाएँ हाथ नीचे दाएँ ऊपर, पूरा पेट ऐसे अंदर दबाते हैं और फिर आगे झुक जाते हैं। जो वज्रासन में न बैठ पाए उस सुखासन में बैठ के ऐसे कर सकते हैं। ऐसे एक मिनट रुकना होगा। ऐसे आप ओंकार और गायत्री का मन ही मन जप कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ प्राणायाम हो, योगासन हो, जो भी आप कर रहे हैं, भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में, भगवान के आलंबन में आप करते हैं, तो प्राणायाम, योगासन, ध्यान, इसका लाभ अनंत गुना बढ़ता है। ऐसे मंडूकासन, अब मात्र एक आसन ऐसे बैठ कर, ऐसे तो मंडूकासन, शशक आसन हम बताते हैं, योग मुद्रासन बताते हैं कि योग मुद्रासन में आप बैठ कर के उसमें भी आगे झुक जाते हैं। इसमें जितना आप कर पाए उतना कर सकते हैं, योग तो सारा लाभ ही देगा।
लेकिन आप ये ज्यादा नहीं, अब कुछ तो पद्मासन में बैठ ही ना पाएंगे, फिर ऐसी वक्रासन है, ये भी डायबिटीज में लाभ करता है, दोनों तरफ से किया जाता है। जो ना कर पाए उनके लिए खाली मंडूकासन ही पर्याप्त है बैठ करके, जो कर सकते हैं बच्चे उनसे ये अर्धमत्स्येन्द्रासन करवा सकते हैं। इस योग हमें रोगों से तो बचाता है, ये रोगों के दुष्प्रभावों से भी बचाता है। तो ये डायबिटीज के कारण से जिनको फ्रोजन शोल्डर और दूसरी प्रॉब्लम होती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, नस नाड़ियों की बीमारी, फिर किडनी फेलियर हो जाते हैं, आँखों की समस्या होती है, तो उन सब से भी योग बचाता है। तो ऐसे ये गोमुखासन कर सकते हैं डायबिटीज वाले, पूरा पैकेज है ये तो ये पूरा पैकेज आज हम नहीं बता रहे ऐसे, लेकिन कम से कम बैठ करके मंडूक आसन, चाहे सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, ऐसे ऐसे ये दो तरीके बताए आगे झुकने वाले। इससे पेन किया इसको पूरा लाभ मिलता है। पेन प्यास के डीजनरेट हुए सेल्स दोबारा से डीजनरेट हो जाते हैं, कैसे रोग मिटता है उसका हम साथ में मैकेनिज्म भी बता रहे हैं। योग से स्ट्रेस पूरा दूर हो जाता है, फिर योग करने वाले की दिनचर्या भी अच्छी हो जाती है, उसका आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर एक नियंत्रण आ जाता है। मंडूक आसन के बाद हम आपको अगला विशेष आसन बता रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, लेट करके पांच आसन हम बताते हैं, पांच सात आसनों से कम दो तीन आसन ज़रूर कर लें बैठ करके। मंडूकासन और वक्रासन तो ज़्यादातर लोग कर पाएंगे, ऐसे लेट करके सबसे अच्छा है ये उत्तान पादासन डायबिटीज। ऐसे पहले दिन तो आधा ही मिनट आप पैर ऐसे उठा करके रोक के रख पाएंगे, हो सकता है किसी के तो 10-20 सेकंड में ही पैर नीचे आ जाएंगे। अब पैर जब आप ऐसे उठाएंगे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से ऐसे एड़ी मिली हुई, ये डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। ऐसे पहले तो आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर में पैर नीचे आ जाएंगे, लेकिन बाद में आप ऐसे एक मिनट तक इतना उठाएं, ज़्यादा भी ना उठाएं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना ऐसे 30 डिग्री पर ऐसे पैर उठे, हथेली ऐसे नीचे से, तो ये आधा मिनट ये करें, फिर धीरे धीरे एक मिनट अभ्यास से, फिर पाँच मिनट तक आप कर सकते हैं एक एक मिनट करके पांच बार, अथवा पाँच मिनट आपने ऐसे ही रोक दिया। छोटे बच्चों से भी करवा लो, आज के छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, हम पेनक्रियास के बीटा सेल्स डीजनरेट हो चुके हैं उनको रीजनरेट कर देते हैं। तो ये उत्तान पादासन, फिर हो सके तो नौकासन भी कर लें, हो सके तो मनीष ने बोला कुल्लों पर पूरा भार आ गया, पैर भी पूरे उठ गए, हाथ भी पूरे उठ गए घुटनों के ऊपर, पीठ भी पूरी ऊपर उठी हुई, इस तरह से बैलेंस बना के रखें आधा मिनट से लेकर के धीरे धीरे एक मिनट तक। तो उत्तान पादासन नौकासन यदि दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उत्तान पादासन ही मात्र करें। एक ये पवन मुक्तासन भी है, ये भी इनके आज के लिए अच्छा है, कमर में दर्द ना हो तो सिर उठा करके ऐसे थे नासिका पैर के घुटनों से लगा देते हैं, पंजे नीचे दबे हुए, एरिया भी नितंब से ऐसे लगी हुई, एक मिनट से प्रारंभ करके पांच मिनट तक एक एक आसन को करना होगा, तो आसन का पूरा नाम है उत्तान पादासन, लोकासन, पवन मुक्तासन और ये कंधरासन भी अच्छा है, पेट के लिए भी, पेट के लिए। डायबिटीज के लिए मैं बात कर रहा था, तो डायबिटीज के लिए कम से कम मंडूकासन और पेनक्रियाज और पेट को और एक्टिवेट करने के लिए जो वक्रासन, जो ऐसे बैठ करके और पेट पीठ पेनक्रियाज को पूरा इसमें एक्सरसाइज मिल जाए, और लेट करके उत्तान पादासन नौकासन, इतना तो कर ही लेंगे।
ये तो हुआ आसन। प्राणायाम कम से कम कितना करना? प्राणायाम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें आप आसानी से बैठ सकें उसमें बैठ करके कम से कम कपाल भाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, इतना तो करना ही। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन से आप मुक्ति पाएंगे। कपाल भाति, इसमें क्लीन की हाथ की पूरी हमें एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम। पाँच पाँच मिनट करके ऐसे तीन से पाँच राउंड कपाल भाती के, तीन से पाँच राउंड अनुलोम विलोम के और भ्रामरी, तीन से पाँच बार। ये न्यूनतम जो करना है डायबिटीज वालों को बताना। खीरा करेला टमाटर का जूस डायबिटीज़ के लिए अच्छा, वो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में मदद करता है। गिलोय का काढ़ा, ताज़ी गिलोय किसी को मिल जाए तो सबसे अच्छी, नहीं तो आपको पतंजलि की जो पैकिंग में आती है दिव्य फार्मेसी की, वो गिलोय का काढ़ा आपको मिलता है। गिलोय का काढ़ा पिए, मैं भी प्रतिदिन जो है वो गिलोय का काढ़ा पीता हूँ। सुबह आंवला एलोवेरा थोड़ा ले लेता हूँ गर्म पानी में, उससे पेट एकदम साफ हो जाता है। और बालों से लेकर के, आँखों से लेकर के, स्किन से लेकर के, हड्डियों से लेकर के, ब्लड से लेकर के, पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोग है। अब लगातार यदि आपको विटामिन डी, विटामिन B12 और अलग अलग प्रकार के कैल्शियम, आयरन आदि की लगातार डेफिशिएंसी बनी रहती है तो उससे सामान्य रोगों से लेकर के कैंसर जैसे रोग भी होगा। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, जो लोग लहसुन खाते हैं तो एक दो कड़ी लहसुन की, जो प्याज खाते हैं तो प्याज, ये औषधियाँ हैं। खैर, मैं आपको अभी स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर आता हूँ। तो डायबिटीज़ के लिए खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी और गिलोय घनवट्टी, यदि आप दो दो गोली ले लेते हैं, सब गिलोय का काढ़ा भी ना बना पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन खास बात आपको बता रहा हूँ, मधुनाशिनी और गिलोय घनवट्टी को, ये सारी औषधियों के बारे में एक कॉमन निर्देश है, एक डायरेक्शन है सबके लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, डायबिटीज़ की औषधि, चाहे वो मधुनाशिनी है, चाहे वो गिलोय घनवट्टी है, बीपी के लिए मुक्तावटी, हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, यदि आप इन औषधियों को चबा करके लेते हैं तो ये अच्छे से डाइल्यूट हो जाती हैं और वो घुल करके, और फिर आंतों के द्वारा, यकृत के द्वारा अवशोषित हो करके उनका रस वो पूरा खून में चला जाता है, औषधि का प्रभाव। इसलिए आप मधुनाशिनी लें, गिलोय घनवट्टी लें, मुक्तावटी लें, हृदयामृत लें, या कोई भी गुग्गल लें, उसको जो है पाउडर करके लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मुंह में चबा सकते हैं। किसी किसी को कड़वा खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर वो खाने से कम आधा एक घंटे बाद या खाने से करीब आधा एक घंटा पहले लें औषधि को और निकल जाएँ, कुछ दिनों के बाद आपका भी अभ्यास हो जाएगा। वैसे मधुनाशिनी और गिलोय घनवट्टी बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, थोड़ी कड़वी तो होती है, मुक्तावटी तो कड़वी भी नहीं होती है, हृदयामृत और मेधावटी आदि कड़वी भी नहीं होती, तो औषधि और गूगल कोई भी उसको तोड़ करके खाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। इसी से मैंने देखा लाभ का जो अंतर है वो करीब 50% हो जाता है, माने उसका जो परिणाम, उसकी जो मात्रा है लाभ की, यदि आप गोली को, मुक्तावटी आदि, तो हमने देखा कि उसमें तो 90% तक परिणाम बदल जाते हैं। मैंने किसी किसी को तो मुक्तावटी वो ही डाइजेस्ट नहीं होती है, मैंने गोली खाई और वो घुलती ही नहीं है पेट के अंदर, इस तरह से हाजमा कमज़ोर है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, तो ऊपर से गोली खाई, नीचे से टॉयलेट में से निकल गई। तो डाइल्यूट होनी चाहिए वो, तो उसका एक स्तर बनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा
यदि ठीक से बांधेंगे नहीं गोली को तो वो गोली पाउडर ही हो जाएगी, तो आप वह भी ठीक नहीं है। यदि उसको जो है बहुत ज़्यादा हार्ड कर दें तो हार्डनेस के लिए भी एक पैरामीटर होता है कि कितनी हार्ड होनी चाहिए गोली, वो सारी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग औषधियाँ बनाई जाती हैं। फिर भी मैंने देखा है इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप गोली चबा चबा करके खाएं। तो मधुनाशिनी गिलोय घनवट्टी चबा चबा करके खा लें, दो दो गोली सुबह शाम ले लें और ये योगाभ्यास कर लें। तो पहले ही दिन से जिनका सामान्य रूप से पेन क्रिया थोड़ा गड़बड़ हुआ है और डोज थोड़ी कम लेते हैं एलोपैथी की दवाओं की, तो उनको तो थोड़ी डोज लेने से डायबिटीज़ कंट्रोल आ जाती है। ये मधुराशन जो है गिलोय घनवट्टी की और प्राणायाम आसन, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है माने पेन क्रियाज बिल्कुल रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, करीब 50% से लेकर के 90 और किसी किसी का तो 99% पेन क्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन बन ही नहीं रहा अंदर, तो उनको फिर थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले ही दिन से लेकर के 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में और 9 महीने में तो लगभग लगभग सभी की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि काफ़ी लोगों की पहले ही दिन से दवाइयाँ बंद हो जाएं, तो पहले ही दिन फिर उनको कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 20-20 मिनट करना होगा, 5-5 मिनट मंडूक आसन और उत्तान पादासन करना पड़ेगा पहले ही दिन। तो हम यहाँ देखते हैं रेसिडेंशियल शिविर लगाते हैं, आगे भी लगाएंगे, आप देखेंगे और पाएंगे कि मैक्सिमम लोगों की हम कोशिश ये होती है कि हमारी 50% से ज़्यादा लोगों की पहले दिन से दवाएं बंद हो जाएं, 2-3 दिन में करीब 80-90% लोगों की और लगभग 7 दिन में तो 99% लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। किसी किसी को फिर 10-15 दिन, किसी को महीना, किसी को 2-3 महीना भी लग जाता है, लेकिन डायबिटीज़ की दवाओं से आप मुक्त हो जाते हैं। और आपको मैं बता रहा था अभी डायबिटीज़ और उसके बारे में बाद में अभी मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा, फिर हार्ट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वातपित्त आदि रोगों के बारे में जितना अधिकतम हो सकेगा आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी आसन में बैठने से पहले इसको सामान्यतः पैर सीधे और इससे कोई भी चाहे वो सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन कोई भी आसन लगाते हैं तो इस आसन में बैठ के लगाते हैं, इसको ऐसे दंड आसन बोलते हैं, माने दंड की तरह शरीर सीधा होता है और उसमें बैठ करके कोई भी आसन करके आप आगे बढ़ जाते हैं। खैर आपको अभी हम बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो ब्लड प्रेशर के लिए कोई भी एक आसन में बैठ गए या कुर्सी पर बैठ गए, 5 प्राणायाम विशेष लाभ करते हैं, एक अनुलोम विलोम, आप ये अनुलोम विलोम पहले ही दिन मेरे साथ आप आज से ही कीजिए, 5-5 मिनट करके आप 15 मिनट कर सकते हैं अथवा लगातार भी कर सकते हैं। थोड़ी देर अनुलोम विलोम किया, फिर शीतली किया, जीवा बाहर निकाली, श्वास को अंदर भरा और नाक से छोड़ दिया, शीतकारी भ्रामरी अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी भ्रामरी, ये 5 प्राणायाम मुख्य हैं ब्लड प्रेशर के। ऐसे इसके 3 से 5 राउंड कर सकते हैं, भस्त्रिका कपालभाति उनको अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होता है उनको तो सामान्य रूप से ये 5 प्राणायाम ही करने चाहिए, अनुलोम विलोम उद्गीत शीतली शीतकारी। तो अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी भ्रामरी उद्गीत एक बार एक राउंड कर लिया, फिर दूसरी बार कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया, ऐसे 3 से 5 राउंड किए जा सकते हैं। कपाल भाती यदि करना है तो धीरे करें, कपाल भाती भी ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है उनको तेज़ी से ऐसे नहीं करना,
इससे बीपी शूट होता है, इसलिए मैंने कहा कपाल भाति करना है तो धीरे कीजिए ऐसे। भस्त्रिका भी करना है तो धीरे कीजिए ऐसे। भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम भी ऐसे जोर जोर से नहीं करना, ऐसे तेजी से नहीं करना। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीत खाली आराम आराम से कीजिए। थोड़ा एक्यूप्रेशर भी हम बताते हैं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। ये सारे उंगलियों के ऊपर जो टॉप्स हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए, स्ट्रेस के लिए, एनजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, जिनको नींद नहीं आती है उसके लिए, जिन साइनस की प्रॉब्लम उनके लिए भी अच्छा है। सारे सर से दबा लेते हैं, डायबिटीज के लिए बायां हाथ में यहाँ जो दूसरी उंगली है इसके घर से दूसरी इसके नीचे सीध में यहाँ पर जो देखा इसके नीचे यहाँ से डायबिटीज के लिए बाएं हाथ तरफ पेन किया इसके लिए, यह दिल्ली के बीच में किडनी के लिए, यहाँ पर भी किडनी के लिए, ये पेट के लिए है, ये थायराइड के लिए है, ये आंतों के लिए पॉइंट है, ये धातु रोगों के लिए, यहाँ पर ये बवासीर के लिए पॉइंट है, बवासीर से भी बहुत रोग पीड़ित रहते हैं। उसके लिए हमने अर्शकल्प पट्टी, नागदोन के पत्ते और नारियल का जो छिलका होता है, नारियल की जो दाढ़ी होती है उसकी राख छाछ में डाल करके हम बताते हैं। नींबू जो है, नींबू जो है एक ठंडे दूध में निचोड़ करके और तुरंत पी जाते हैं, यदि धारोषण अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही ठंडे दूध में नींबू निचोड़ करके पी जाए। 3 से 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर बवासीर दूर हो जाती है, ये भी पॉइंट है इसका। योगासन भी लाभ करते हैं उसमें, प्राणायाम लाभ करता है कपाल भाती विशेषकर, तो ये कमर के लिए पॉइंट है। ये कमर के लिए भी अंदर की तरफ दबाते हैं तो पेट भी अच्छा हो जाता है ऐसे अंदर की तरफ, इसमें नाभि धारण ठीक हो जाती है, इधर से स्ट्रेस भी दूर हो जाता है, डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, और सिर दर्द भी माइग्रेन पेन भी ठीक हो जाता है, और माइग्रेन पेन के लिए यहाँ पर भी पॉइंट है, ये पीछे दर्दों के लिए पॉइंट है। तो ये एक्यूप्रेशर जिसको हम नाड़ी चिकित्सा कहते हैं इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो रोगों के हिसाब से आपको रोग निवृत्ति के लिए योग बता रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है योग की, इसके साथ आयुर्वेद की। जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी और लौकी का जूस, लौकी का जूस ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, मोटापा के लिए, जिनको बहुत अधिक गैस कब्ज एसिडिटी, खून की कमी, और एक आजकल बहुत बड़ी बीमारी होगी फैटी लीवर। फैटी लीवर के लिए मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। एक लौकी का जूस ज़बरदस्त है फैटी लीवर के लिए। दूसरा सर्वकल्प क्वाथ, फैटी लीवर से लेकर के प्रारंभिक अवस्था का लीवर सिरोसिस, मैंने कई बार इस बात का संकेत किया, फिर से मैं कहना चाहूँगा, माने हेपेटाइटिस ए बी सी, लीवर सिरोसिस एडवांस स्टेज में भी लाभ तो होता है और हमने तो कई रोगियों को मरने से बचाया, लेकिन प्रारंभिक अवस्था का तो लीवर सिरोसिस 100% अच्छा हो जाता है सर्वकल्प क्वाथ से, ये तो अद्भुत। सर्वकल्प क्वाथ, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदयामृत, अश्वशिला, गिलोय, डेंगू ने, डेंगू के लिए चिकनगुनिया के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए जो हमने औषधियाँ बना रखी, इनका हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर चुके हैं, जिसको एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं।
इसके बारे में जागरूकता हमें फैलाने की आवश्यकता है। कितने लोग पीड़ित हैं अलग अलग रोगों से और बीमारियों से तड़फते तड़फते उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं।